और भी है सवाल? अच्छा फरमाइए। दूसरा सवाल इंसानी हकूक पर है, ह्यूमन राइट्स पर। कुरान करीम की तालीम के मुताबिक इंसानी हकूक पर आप रोशनी डालें, मैं आपका मशवरा। ठीक ठीक। कुरान करीम ने जिस तालीम को कईमा फरमाया है उसका जिक्र एक छोटी सी सूरत में आता है जिसे कय्यमा नाम दिया गया है, अल कय्यमा। उस सूरत में कुरान करीम ये नजरिया पेश करता है कि जितने भी मजाहब हैं, कदीम तरीन हों या बाद में आने वाले, उन सब मजाहब में जिनमें इस्लाम मुस्तस्ना नहीं, ये भी शामिल है, चंद बुनियादी बातें हैं जो लाजम हर मजहब में मिलती हैं। उनमें पहली अल्लाह का हक, तौहीद का क़याम, दूसरी उस तौहीद के सामने खालिस होकर झुकना और अपने वजूद को उसके सामने पेश कर देना, तीसरी ज़कात यानी दुनिया नौ इंसान और गुरबा की हमदर्दी में खर्च करना और इंसानी बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करना। ये कुरान करीम की तालीम की खूबी है कि सिर्फ अपने लिए नहीं रखी ये तालीम, खुला ऐलान किया है कि पहले भी सब मजाहब में और हर जगह यही तालीम हुआ करती थी, आज भी यही है। मगर जिस तफसीर से फिर इस पर रोशनी डाली है, एक बहुत बड़ा मजमून है, गुलाम के हकूक, आका के हकूक, मालिक के हकूक, औरत के हकूक, मर्द के हकूक, इंसानी हकूक के जितने भी दायरे हैं, एक एक दायरे को लेकर उसकी तफसील में बयान फरमाया। मियां बीवी के आपस के तल्लुकात, उनके हकूक, बेटियों के बाप पर, बाप के बेटियों पर, माँ के बेटों के साथ, वगैरह वगैरह। तो ये जो आपका सवाल है, अगर इसका मैं तफसील से जवाब दूँ तो कई दिन की बात है, समझे, मगर मौजूद है। असूल वो यही है, आखिरी असूल उसका खुलासा, कि कोई शख्स खुदा का सच्चा परिस्तार हो ही नहीं सकता अगर खुदा की तरफ मनसूब करके दूसरे बनी नौ इंसान के खिलाफ नफरत की तालीम दे। उसका फर्ज होगा, उसका ख्याल होगा शायद कि वो खुदा का है, लेकिन जो अल्लाह का हो, अल्लाह के बंदों के खिलाफ नफरत की तालीम दे, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है। अंधेरों से रोशनी नहीं फूट सकती, रोशनी से अंधेरे नहीं पैदा हो सकते, ये कुरान करीम बार बार फरमा रहा है। तो आज जितने भी मजाहब हैं, अगर वो मजहब के नाम पर इंसान और इंसान में तफरीक करते और उन दूसरों बगैरों पर यलगार की तालीम देते, उन्हें होली वॉर कहते हैं, तो उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। कुरान के बुनियादी अकायद की खिलाफ वर्जी करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवाल फरमाए हैं माशाल्लाह। ज़रूरे महबीए आखिर